हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हाय, माय नेम इज़ रवीना चौहान एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल्स के यूजेस एंड बेनिफिट्स। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं वीडियो में। ये विटामिन ई का कैप्सूल है, टाइप का है। ये आपको ईजिली कोई भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, लाइक ओनली 32 रुपीज में आपको मिल जाएगा कोई भी मेडिकल शॉप पे। एंड ये इवियन कंपनी के कैप्सूल्स हैं। जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। किसी किसी को सूट नहीं भी करते हैं, इसलिए विटामिन ई के कैप्सूल आपके बालों के और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो में। यूज नंबर वन, सबसे पहले आपको एक कैप्सूल ले लेनी है, उसे पोक कर लेना है नीडल या फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से। आपको ऑयल का एक ड्रॉप लेना है, अपने लिप्स पे अप्लाई करना है। ये ड्राई लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है एंड आप इसे रात को सोने से पहले लगा सकते हैं। यूज नंबर टू, अंडर आई जेल बनाने के लिए आपको लेना है एलोवेरा जेल। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं एंड उसमें आपको ऐड करना है विटामिन ई का ऑयल एंड देन आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक व्हाइट कलर की कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। जेल को आप एक छोटे से कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए रेफ्रिजरेटर में। मैं रात को सोने से पहले इस जेल को अपने अंडर आई पे अप्लाई कर लेती हूँ और अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। मसाज करने में बहुत प्रेशर नहीं डालना, आपको बहुत ही लाइट फिंगर से इसको मसाज करना है। यूज नंबर 3, सेम जेल को हमें यूज करना है अपनी आईब्रोज के लिए। एंड हमें इसे अपने आईलैशेस पे भी यूज करना है। आईलैशेस एंड आईब्रोज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। यूज नंबर 4, विटामिन ई का ऑयल हमारे बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसे हमें अपने हैंड्स में ले लेना है एंड अच्छे से रब करना है एंड ये हमारे ड्राई एंड फ्रिजी हेयर को भी स्मूथ करने में हेल्प करेगा। यूज नंबर 5, 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ले लेना है। उसमें हमें ऐड करना है विटामिन ई का ऑयल। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड ये हमारे फेस पैक रेडी हो गया। इसे हमें अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और हमारे फेस को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। ई का ऑयल हमारे फेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही 5 मिनट्स तक रहने देना है, उसके बाद हमें अपना फेस वॉश कर लेना है विद नॉर्मल वाटर। यूज नंबर 6, विटामिन ई का ऑयल जो है वो हमें अपने नेल्स पे एंड उसके आउटर सरफेस पे अप्लाई करना है और उसे अच्छे से रब करना है। नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। नेल्स के सराउंडिंग एरिया में स्किन पील ऑफ की प्रॉब्लम है, ये उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। यूज नंबर 7, अपना कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, उसमें इस विटामिन ई के ऑयल को ऐड करना है एंड उसे अच्छे से मिक्स करना है एंड इसे अपने हैंड्स पे अप्लाई करना है। स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा एंड ये आपकी स्किन को जल्दी से ड्राई नहीं होने देगा। यूज नंबर 8, कोकोनट ऑयल ले लेना है एंड उसके साथ विटामिन ई का ऑयल ऐड करना है एंड इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया पे अप्लाई करना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।